तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक और नए फ्रेश वीडियो में। एंड आज मैं तुम सबके लिए इस वीडियो में लेके आ गया हूँ एक 4v4 फाइट जिसको हम लोग एनालाइज करेंगे। अब ये जो फाइट था, ये फाइट था टीम सी ट्रिपल जी वर्सेस टीम फ्लैश का। तो सी ट्रिपल जी अभी के टाइम पे मैं बोलूंगा वर्ल्ड की नंबर वन टीम है एग्रेसिवनेस के मामले में, क्योंकि जिस तरीके से ये रश करती है 4v4 फाइट हो चाहे कंपाउंड वाली फाइट जहां पर होल्ड करती है, ये वहां पर ये बहुत अच्छा फाइट निकालती है। तो वीडियो से तुमको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखो। एंड अगर आप तुम चैनल पर नए आए हो तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहां तुमको फ्री फायर ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर एक नॉलेज हर एक स्ट्रैटेजी सबसे पहले देखने को मिलता है। तो वीडियो को लाइक करना बनता है तुम्हारा एंड शेयरिंग करो भाई, नॉलेज बढ़ाओ क्योंकि इससे तुमको काफी कुछ हेल्प भी मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। अब इस फाइट की शुरुआत हुई थी जब टीम फ्लैश जो थी ना वो यहाँ पर रोटेशन ले रही होती है ब्लैक हाउस में। तुमको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि टीम फ्लैश ब्लैक हाउस में होल्ड कर रही है। शिन को यहाँ पर कुछ डैमेज पड़ता है जो कि बेसिकली मुझे लगता है कि सी ट्रिपल जी के ही प्लेयर ने दिया था। अब होता क्या है ना कि रिटर्न में यहाँ पर ऑन फायर को काफी ज्यादा डैमेज दे देते हैं यहाँ पर यानमिन, जो कि आप फार्मर्स ट्रिपल चिप चला रहे, तो ऑब्वियसली फार्मर्स ट्रिपल चिप भाई क्या डैमेज देगा तुम जानते ही हो। एंड ऐसे में वो काफी गंदा डैमेज देते हैं। ऐसे में जो ऑन फायर रहता है उनका हेल्थ काफी कम रहता है, तो वो बैक ऑफ करते हैं, वॉल लगाते हैं एंड बैक ऑफ कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि देखो ऑन फायर पे तो प्रेशर बन गया है, ऑन फायर पे तो गंदा वाला प्रेशर बन गया है, वो हील कर रहे हैं अपने आप को। एंड वहीं पर पीटर भी डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि पीटर जो घर के ही ऊपर होल्ड कर रहे थे वो भी वो अकेले हो गए हैं। तो ऐसे में ऑब्वियसली पीटर को बहुत गंदा डैमेज पड़ता है एंड पीटर यहाँ पर शिन के हाथों नॉक हो जाते हैं ट्रोगन से। एंड फिर पूरे फ्लैश के प्लेयर ऑब्वियसली पोर्टल लगा के पुश कर ही दिए थे, तुमको ये पोर्टल देखने को मिल ही रहा होगा यहाँ पर। अब होता क्या है ना, देखो यहाँ पर सीखने वाली चीज है। देखो सबसे पहले तुमने यहाँ पर देखा कि रिटर्न में बीओबी नॉक हो गए हैं, जो कि हुए हैं भाई हमारे यहाँ पर बेसिकली एंटी मटेरियल से। एंटी मटेरियल से नॉक होना इस स्टेज पे बीओ का बहुत ही बड़ा एक गलती हो गया टीम फ्लैश का, क्योंकि अगर तुम देखो तो फ्लैश ने पूरा येलो कंपाउंड होल्ड कर लिया था अच्छे तरीके से, कंट्रोल कर लिया था बेसिकली, क्योंकि तुम देखो इनके तीन प्लेयर नीचे भी हैं और बीओ ऊपर है ही एज अ स्नाइपर जो खेल रहे हैं। एंड तुम अगर देखोगे वन मोर पीछे तरफ है, पोजिशनिंग वाइज सब सही चल रहा था, बट ये जो नॉक होना बीओ का ये एक गलती हो गया। अब उसके बाद भी तुम देखो यहाँ पर क्योंकि बीओ नॉक है तो प्रेशर दोनों साइड इक्वल हो गया है। एंड तुम ये देखो, तुमको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि इजी रिवाइव मिल रहा है यहाँ पर पीटर को। बेसिकली पीटर इजीली यहाँ पर रिवाइव हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामने में भी एक प्लेयर नॉक हो चुका है तो इजी रिवाइव मिल गया इन्हें एंड कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखो भाई हील यूएवी का यूज किस तरीके से होता है, तुमको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ही ये छोटा सा चीज होता है तो तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा। तुम यहाँ पर देखो कि कॉस्को A1-2-4 से पहले स्किल ऑफ करते हैं, फिर वो नॉक करते हैं, फिर तुम यहाँ देखो कॉस्को को वो नीचे जा रहे हैं एंड वो ये देख रहे हो, ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन तुम नीचे तक भी देखना थोड़ा सा ध्यान से देखो, तुमको मैं दिखाता हूँ, रुको ये देखो, तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा छोटा सा सर्कल टाइप का बेसिकली, या फिर तुम ये लाइन को देख सकते हो, ये लाइन को देखो, ये हील हुआ भी है ना। एंड इसका फायदा क्या हुआ तुम वो देखो, जब ये रिवाइव हुए पीटर तो पीटर का हेल्थ देखना कितना पे वो फिनिश किए, पीटर का हेल्थ देखना, पीटर का बार बार मैं तुमको बोल रहा हूँ हेल्थ देखना, ये देखो ये जो हेल्थ बढ़ा एटलीस्ट इनका लगभग जो इतना हेल्थ बढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प किया पूरी टीम को, क्योंकि पीटर वहाँ पर फटाफट हील्ड अप हो गए एंड ऑन फायर एंड देन जो बेसिकली वन मोर रहते हैं वो भी कवर देने आते हैं, वन मोर यहाँ पर पोर्टल लगा लेते हैं अपना। एंड वन मोर ने एक काफ़ी अच्छा काम किया, तुम यहाँ पर देखो कि वो ऊपर गए एंड ऊपर जाके उन्होंने यहाँ पर दिमित्री प्लेस किया, क्योंकि ऑब्वियसली उनके जो प्लेयर थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके थे, वन मोर अकेले थे, उन्होंने यहाँ पर दिमित्री प्लेस किया, वो पोर्टल लगा दिए, वो बैकअप चले गए। बट इसका फायदा यहाँ पर ऑन फायर को हो गया, क्योंकि ऑन फायर वहाँ पर हील भी हो रहे थे दिमित्री का रेडियस के कारण एंड भले ही वहाँ पर वन मोर नॉक हो गए, क्योंकि वन मोर एज अ स्नाइपर वर्क करते हैं तो वो पीछे नॉक हो गए, बट जो काम करना था वो काम यहाँ पर कर लिया था। यहाँ पर तुम देखो वापस जो आखिरी प्लेयर थे बेसिकली बीओ, वो फिनिश हो चुके हैं एंड ये फाइट ओवर हो जाता है। तो जो की चीज़ था तुमको मैंने वो बता दिया, मैं देखा कि किस तरीके से सारे प्लेयर्स ने खेला। तुम यहाँ पर भी देखो जब बेसिकली यहाँ पर रिवाइव किया जा रहा था बेसिकली, तो फिर कॉस्की उस टाइम पे एज अ रशर खेलने लगे, एज अ पुश करने लगे। मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि ग्रेनेडियर्स जो होते हैं वो बहुत सारे ग्रेनेडियर ऐसे हैं जो कि जब नेट करने जाते हैं तो फिर वो अपना क्लोज रेंज को तो मिस ही कर जाते हैं, मतलब भूल ही जाते हैं कि भाई वो क्लोज रेंज में भी उनको खेलना चाहिए। देखो यहाँ पर जैसे ऑन फायर जब रिवाइव दे रहे हैं पीटर को, तो कॉस्की इमीडिएटली पुश करते हैं एंड वो ज्वाइन करते हैं ऑन फायर को इन अ रश, क्योंकि ऑब्वियसली पीटर का हेल्थ कम है तो पीटर भाई पुश कैसे करेंगे। बट फिर भी पीटर का काफ़ी ज़्यादा हेल्थ हो जाता है हील यूएवी के कारण, तुमको यहाँ पर हील यूएवी पे दिख रहा होगा। ये देखो कॉस्की आते हैं नीचे, कॉस्की यहाँ पर इमीडिएटली हील यूएवी को छोड़ते हैं जिससे उनका हेल्थ बढ़ता है। तो माउस पॉइंटर से अपन नोटिस किया ही हो गया ये चीज़ एंड फटाफट हील होते हैं वो। एंड
बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये हील यूएवी फाइट के टाइम में। तो इस सिचुएशन में तुम हील यूएवी को कर सकते हो रिवाइव के टाइम पर, जब तुम्हारे प्रेस को फटाफट यू नो रेडी होना है फाइट के लिए। तो ऐसे केस में काफ़ी काम आता है ये चीज़। बाकी बीच में क्लोजिंग फाइट हुआ, क्लोजिंग फाइट तो तुमको यहाँ पर देखने को मिल ही रहा होगा, बियो नॉक थे, बियो को रिवाइव मिलने जा रहा था तो आर्टिमिसिस उनको रिवाइव देने आए, बट उनको भी वहाँ पर ऑन फायर नॉक करते हैं ट्रोगन से। तो बियो ने भले ही वनमोर को वहाँ पर नॉक कर दिया था, रिवाइव हो चुके थे वो भी, बट ऑब्वियसली वनमोर का पोर्टल लग के पीछे चले गए वो, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट हो गया वो, एंड वो इजिली वहां पर यू नो बिंदास रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं था। एंड बाकी काम जो था टीम के प्लेयर्स ने कर दिया, ऑन फायर ने आखिरी प्लेयर यहां पर जो थे बेसिकली बीओ थे उनको यहां पर फिनिश किया गया। तो ये था पूरा फाइट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब रेगुलर एनालिसिस कंटेंट के लिए। फ्री फायर का हर एक स्ट्रैटेजी अभी अपडेट आएगा तो भाई बहुत सारी नई नई स्ट्रैटेजी बनेंगे, तो तुमको काफी कुछ देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी नोटिफिकेशन जो होता है वो ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजी तुमको इंटरनेशनल टीम्स की यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलेगी। एंड ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पर मैं रेगुलर पोस्ट डाल रहा हूँ, हर दिन पोस्ट आ रही है, तो भाई फटाफट वहाँ पर भी तुम लोग जो है फॉलो कर लो।